भोला सुबह सुबह अपने कुल्हाड़ी को लेकर जंगल की ओर जाने लगा। भोला रोज लकड़ियाँ तोड़कर लाता और गांव में जाकर बेचता। जो भी थोड़े पैसे मिलते उससे जैसे तैसे अपना पेट भरता। उस दिन जब भोला लकड़ी काटने गया उसने देखा कि बहुत सारे पेड़ पहले से ही कटे हुए हैं। फिर अरे ये क्या, लगता है आज कलुआ मुझसे पहले आकर लकड़ियाँ तोड़कर चला गया। वैसे भी कलुआ को तो मुझसे बहुत ज्यादा लकड़ियों की जरूरत होती है, इसीलिए आया होगा। चलो अब जंगल के और अंदर जाना होगा। भोला और अंदर चला गया। उसने देखा कि बीच जंगल में बहुत से पेड़ थे। उन पेड़ों को देखकर अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारे पेड़ हैं। अगले 2 महीनों तक भी रोज लकड़ियाँ काटूं तो भी कम नहीं पड़ेंगी। भोले ने पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई। तभी उसने देखा कि ऊपर एक बंदरिया अपने नवजात बच्चे के साथ उस पेड़ पर बैठकर फल खा रही थी। वो बंदरिया इतने प्यार से अपने बच्चे को पकड़कर बैठी थी कि उनका प्यार देखकर भोला रुक गया। ये क्या करने जा रहा था मैं? अगर मैंने ये पेड़ काट दिया माँ बंदरिया और उसके बच्चे का घर टूट जाएगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। शायद इस पेड़ पर बहुत सारे फल हैं, इसीलिए ये बंदरिया यहाँ रहती होगी। चलो मैं कोई ऐसा पेड़ काटता हूँ जिस पर किसी जानवर या पंछी का घर ना हो। भोला और आगे चला गया। उसने अपनी जरूरत के अनुसार लकड़ियाँ काटी और उन्हें बेचने चला गया। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। भोला रोज उस बंदरिया और उसके बच्चे को देखता। कभी कभी भोला बंदरिया को खिलाने के लिए घर से रोटी भी ले आता। एक दिन जब भोला लकड़ी काटने गया तब उसने देखा कलुआ उसी पेड़ पर कुल्हाड़ी चला रहा था जिस पेड़ पर उस बंदरिया रहती थी। कलुआ को उस पेड़ को काटते देख अरे कलुआ, ये क्या कर रहे हो? ये कैसा सवाल है? भगवान ने आंखों की जगह बटन लगाकर भेजा है क्या? दिखाई नहीं देता, लकड़ी काट रहा हूँ। वो तो मैं देख रहा हूँ कलुआ, लेकिन इस पेड़ की लकड़ी क्यों काट रहे हो? किसी और पेड़ की लकड़ी काटो। पेड़ पर देखो, एक बंदरिया का घर है, उसके साथ उसके नवजात शिशु भी है कलुआ। तो क्या हुआ, वो बंदरिया किसी और पेड़ पर चली जाएगी? इतने सारे पेड़ तो हैं। लेकिन कलुआ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चल निकल जा यहाँ से, आया बड़ा मुझे सिखाने वाला। और सुन, इस पेड़ को तो पूरा मैं ही काटूंगा, ये ध्यान रखना, तुझे चाहिए तो कहीं और चला जा, नहीं तो ये देख रहा है ना कुल्हाड़ी, मुझे जरा सी भी देर नहीं लगेगी इस कुल्हाड़ी को तुझ पर चलाने में। कलुआ पेड़ काटने लगा। भोला बेचारा चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया और आगे चला गया। दोपहर के समय जब भोला जंगल से लौट रहा था तब सपने देखा कि कलुआ ने वो पूरा पेड़ काट डाला था। भोला को बहुत बुरा लग रहा था। तभी उसकी नजर पेड़ के एक बड़े लकड़ी के नीचे गई। वो बंदरिया उस लकड़ी के नीचे मरी पड़ी हुई थी। उसे देख भोला की आंखों में आंसू बहने लगे। भोला को लग रहा था कि शायद उसके बच्चे की भी मौत हो गई है। भोला उस बंदरिया के पास गया। तभी उसने देखा कि बंदरिया ने मरते हुए भी अपने बच्चे को अपने गोद में सुरक्षित रखा था। हे भगवान, तेरी महिमा अपरंपार है, इस बंदरिया ने मरते हुए भी अपने बच्चे को गोद में सुरक्षित रखा है। सच में माँ आखिर माँ ही होती है। लेकिन अब इस बच्चे का क्या होगा? कलुआ भी कितना दुष्ट है, मैंने बताया था उसे इस पेड़ पर इस बंदरिया का घर है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। फिर भोला ने गड्ढा खोदकर बंदरिया के शव को उस गड्ढे में डाल दिया। फिर उसके बच्चे को अपने गोद में उठाकर अपने साथ उसे घर ले आया। उस दिन एक बात से भोला अपने छोटे भाई की तरह उस बंदर को साथ रखने लगा। एक दिन भोला लकड़ी काटने गया था तब क्यों भोला, सुना है तूने किसी बंदर को पाल रखा है? अरे खुद का पेट तो तुझसे भरता नहीं, अब उस बंदर को क्या खिलाएगा? वो वही बंदर है कलुआ, जिसकी माँ के तुम हत्यारे हो। मैंने तुम्हें कहा था कि उस पेड़ पर उस बंदरिया का घर है, फिर भी तुमने वो पेड़ काट दिया। वो बंदरिया पेड़ से गिरकर मर गई, इसीलिए मुझे इंसानियत के नाते उस बंदर को अपने साथ ले जाना पड़ा। अगर मैं उसे नहीं ले जाता तो इस जंगल में ऐसे ही उसकी मौत हो जाती। हाँ तो तू बड़ा दयावान है ना, सारी दुनिया की इंसानियत और अच्छाई एक तुझ में ही भरी हुई है ना। कलुआ, मेरी तुमसे विनती है कि आगे से तुम कोई भी पेड़ काटते समय थोड़ा ध्यान दो कि किसी जानवर पंछी का घर न टूटे। ए भोला, मैंने पहले भी एक बार तुझसे कहा था कि तू मुझे मत सिखा। जब तूने कुल्हाड़ी हाथ में लेना सीखा था ना, उसके कई साल पहले से मैं लकड़ी काट रहा हूँ। तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? रुक, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। ऐसा कहकर कलुआ ने भोला को पीटना शुरू कर दिया। उसे पीटने के बाद भोला को उसने चेतावनी भी दी कि आगे से अगर वो इस गांव में लकड़ी काटने के लिए आएगा तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। बेचारा भोला घर आ गया और बंदर से बात करने लगा। चलो दोस्त, अब इस गांव से हमारा ताना पानी उठ गया है। उस कलुआ ने मुझे पीट कर साफ साफ चेतावनी दे दी है। अब अगर जान बचानी है तो इस गाँव को छोड़कर जाना ही बेहतर होगा। चलो हम कहीं और जाकर हमारी अपनी दुनिया बसाएंगे। भोला बंदर को अपने कंधे पर बिठाकर गांव से कहीं दूर जाने के लिए निकल गया। दिन बीत रहे थे और भोला दर बदर भटकते हुए काम की तलाश कर रहा था। ना तो उसे काम मिल रहा था और ना उसके रहने का कोई ठिकाना था। जैसे तैसे अपने लिए और बंदर के लिए वो एक वक्त का खाना जुटा पा रहा था। एक दिन ऐसे ही वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। बंदर उसकी गोद में सोया हुआ था। तभी वहाँ एक योगी बाबा आए। प्रणाम योगी बाबा,
कल्याण हो पुत्र, एक बात बताओ, तुम इस बंदर को ऐसे गोद में लेकर क्यों बैठे हो? बाबा, इसने अपनी माँ को खो दिया है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैं इसे अपने साथ अपने घर ले आया था, लेकिन हमारे गांव के एक गुंडे की वजह से मुझे गांव छोड़ना पड़ा। अब मैं काम और सर पर छत ढूंढते हुए दर दर भटक रहा हूँ। पुत्र, तुम्हारा हृदय सच में कोमल है, तुमसे किसी का भी दुख नहीं देखा जाता। तुमने इस अनाथ बंदर की जिम्मेदारी लेकर इसे एक परिवार दिया है। तुम अगर चाहो तो मेरे साथ मेरे आश्रम में रह सकते हो। मेरे आश्रम में मेरे कुछ शिष्य रहते हैं और कई बार कितने साधु भी आते हैं, उनके भोजन और रहने की व्यवस्था की जिम्मेदारी अगर तुम उठाओ तो मुझे बहुत आनंद होगा। ये तो मेरी खुशनसीबी है बाबा, मुझे आपके साथ रहने में सचमुच खुशी होगी, लेकिन बाबा, मेरा ये बंदर भी मेरे साथ आएगा, मैं इसे कहीं नहीं छोड़ सकता। हाँ पुत्र, तुम इसके साथ आ सकते हो। भोला बाबा के साथ उनके आश्रम चला गया। भोला अब योगी बाबा के आश्रम में सफाई, भोजन व्यवस्था, हवन की सामग्री ले आना, बाबा जी के शिष्यों की सहायता करना, ऐसे सारे काम करने लगा। भोला का बंदर हमेशा उसके साथ रहता था। योगी बाबा भोला का काम और उसकी काम के प्रति निष्ठा देखकर खुश थे। बाबा हमेशा अपने बाकी शिष्य और साधुओं से भोला की तारीफ करते थे। बाबा जी का एक शिष्य था मानिक, जो भोला की तारीफ से बहुत जलता था। उसे लगता था कि भोला तो एक साधारण लड़का है, फिर भी बाबा जी उसकी बड़ी तारीफ करते हैं, जबकि मैं इतनी पढ़ाई करता हूँ, वेद पाठ करता हूँ, फिर भी बाबा जी को मेरी कोई अहमियत नहीं है। एक दिन, माड़ी भैया ये लीजिए, आपके लिए ये ताजे फल लेकर आया हूँ। भोला, आजकल तुम ज्यादा आलसी हो चुके हो, तुम्हें ज्यादा खाना ना पकाना पड़े, इसीलिए तुम ये फल लेकर आते हो। ऐसी बात नहीं है भैया, वो बाबूजी ने आज सबको फलहार करने को कहा है, इसीलिए मैं फल लेकर आया था। भोला बात कर ही रहा था कि तभी उसका दोस्त बंदर आया और उसने मनिक के फल खा लिए। अरे अरे, ये क्या, अरे संभालो तुम्हारे इस बंदर को, पूरे आश्रम को सर पर उठाकर रखा है, ये बंदर मेरे फल खा गया। भोला, अभी के अभी इस बंदर को भगाओ इस आश्रम से, नहीं तो मैं योगी बाबा से इसकी शिकायत करूंगा। माणिक भैया, मैं आपसे माफी मांगता हूं और आपके लिए और फल लेकर आता हूं, लेकिन मेरे इस भाई को मैं अपने से अलग नहीं कर सकता। मनिक को भोला पर बहुत गुस्सा आया, उसने योगी बाबा से भोला की शिकायत की, लेकिन बाबा जी ने भोला का पक्ष लेकर मनिक को ही सुना दिया और ध्यान मग्न हो गए। आज तो हद हो गई, इसकी वजह से गुरु जी ने मुझे डांटा, इसका कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन इस तरह कि मेरा नाम कहीं ना जाए और इसकी छुट्टी हो जाए। कुछ दिन के बाद योगी बाबा को उस गांव के राजा ने अपने राजमहल में आने का आमंत्रण दिया। योगी बाबा अपने शिष्यों के साथ भोला को लेकर राजमहल चले गए। राजा ने उनकी बड़ी आवभगत की। दो दिन राजमहल में रहने के बाद सब आश्रम लौटे। फिर दो दिन के बाद राजा अपने कुछ दास और प्रधान के साथ आश्रम आए। क्षमा करें बाबूजी, यहाँ आकर आपको कष्ट दे रहा हूँ, लेकिन बात ही ऐसी है कि मुझे स्वयं आपकी भेंट लेने आना पड़ा। कोई बात नहीं, आपके आने का कारण बताइए। समझ नहीं आ रहा, कैसे कहूँ बाबूजी, दो दिनों से हमारी महारानी का नवलखा हार कहीं गुम हो गया है, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ गायब हो गया। साफ साफ बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या हमारे जाने के बाद से वो हार गुम हुआ है? सच कहूँ तो हाँ। मतलब हम में से किसी ने वो हार चुराया है, ऐसा कहना है आपका? नहीं बाबूजी, मैं आप पर शक करने का पाप नहीं कर सकता, लेकिन महारानी की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। महाराज, आपके यहाँ आने की वजह से मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन मैं अपने सारे शिष्यों को अच्छे से जानता हूँ, मेरे शिष्यों में से कोई भी चोरी जैसा पाप नहीं कर सकता। फिर भी अगर आपको तसल्ली ना हो तो आप सबकी तलाश ले सकते हैं। राजा के साथ आए हुए दासों ने सबकी तलाशी ली, तब उन्हें भोला की झोली में वो नवलखा हार छुपाया हुआ मिला। वो भोला को पकड़ कर ले गए। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है बाबूजी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की। भोला, तुमने चोरी की है? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हो। नहीं नहीं माणिक भैया, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उस हार को देखा भी नहीं था। बाबूजी, ये लड़का रंगे हाथों पकड़ा गया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे इसे सजा दिलाने के लिए महल लेकर जाना होगा। बाबूजी, मुझे बचा लीजिए, मैंने सच में कुछ नहीं किया, आप मुझे जानते हैं, मैं चोरी के बारे में सोच भी नहीं सकता, बुरे से बुरे वक्त में भी मैंने चोरी नहीं की तो अब क्या करूँगा, मेरा विश्वास कीजिए। राजा के दास भोला को ले जाने लगे, तभी उनके पीछे से आवाज आई, रुकिए, मेरे भाई ने चोरी नहीं की है। सबने पीछे मुड़कर देखा, भोला का बंदर पीछे खड़ा होकर बोल रहा था, महाराज, मेरे भाई ने चोरी नहीं की है, ये हार किसी ने जानबूझकर उसके झोले में डाला है। ये क्या, एक बोलने वाला बंदर? हाँ, मैं एक बोलने वाला बंदर हूँ, मेरे बचपन से लेकर भाई मुझसे बात करते आए हैं, ये रोज मुझसे ढेर सारी बातें करते हैं, उन्हें बोलते हुए देख और उनकी बातें सुनकर ही मैंने बोलना सीखा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मेरे भाई ने चोरी नहीं की है। अच्छा, तो तुम दावे के साथ कह रहे हो तो तुम्हें ये भी पता होगा कि ये हार जानबूझकर इसकी झोली में किसने डाला? हाँ, मुझे पता है, इस माणिक ने मेरे भाई के झोले में वो हार डाल दिया था। क्या तुम सच बोल रहे हो?
नहीं नहीं बाबूजी, ये झूठ बोल रहा है, मैंने सच में चोरी नहीं की है। तुम्हारी लड़खड़ाती हुई जुबान ने सब सच कह दिया है माणिक, मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि तुम ऐसा करोगे। सच सच बताओ, तुमने चोरी क्यों की और उसका इल्जाम बेचारे भोला पर डालकर क्या करना चाहते थे तुम? माणिक ने अपनी जलन के बारे में सब सच सच बाबा जी को बता दिया। महारानी के हार की चोरी की जुर्म में माणिक को पकड़ लिया गया। फिर बोला, तुम्हारा ये बंदर सच में बड़े काम का है, ये हमारे राज्य की बड़ी मदद कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसके साथ हमारे राज्य के गुप्तचर बन जाओ और हमारे शत्रुओं की गतिविधियों पर नजर रखो। इस बंदर पर किसी को शक नहीं होगा और तुम आसानी से सब पर नजर रख पाओगे। इस काम के बदले में तुम्हें बहुत धन दिया जाएगा। राजा जी की बात भोला को सही लगी। योगी जी ने उसमें हामी भरी। भोला अब राज्य का पहला ऐसा गुप्तचर बन गया जिसका साथी एक बंदर था। रूपा अपना पिज्जा का ठेला लेकर जा रही थी। ले लो ले लो, गरम पिज्जा ले लो, वेज पिज्जा, चीज पिज्जा ले लो। बहुत दिनों से रूपा का पिज्जा का धंधा कुछ ठीक से नहीं चल रहा था। ग्राहक उसके ठेले के पास से गुजरते थे लेकिन पिज्जा खरीदने के लिए नहीं रुकते थे। तभी वहाँ रूपा के पिता की उम्र का किशोरी लाल आया। किशोरी लाल सीटी बजाते हुए, अरे वाह, आज तो लगता है मेरी नसीब बहुत जोरों पर है। सुबह सुबह चिकनी चमेली के दर्शन हो गए। मेरा रास्ता छोड़िए। अरे रास्ता छोड़े मेरे दुश्मन। हम दोनों के तो रास्ते जल्दी ही एक होने वाले हैं और तुम बोल रही हो कि रास्ता छोड़ दो, ये ठीक नहीं है डार्लिंग। अच्छा तुम्हें डार्लिंग कहूंगा तो चलेगा ना? वो क्या है ना, मैंने सुना है कि आजकल की लड़कियां को डार्लिंग जानू बच्चा ऐसे सब सुनना अच्छा लगता है। तुम बताओ मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारूं? कोई जरूरत नहीं है मुझे किसी भी नाम से पुकारने की, जाने दीजिए मुझे। रूपा रास्ता बदलकर जाने लगी। तभी किशोरी लाल ने रूपा का हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, अपनी बेटी की उम्र की लड़की का हाथ पकड़ने में शर्म नहीं आती तुम्हें किशोरी लाल? ए किशोरी लाल नहीं, सुनिए जी कहकर बुलाओ मुझे, और मुझे शर्माने की जरूरत नहीं है। शादी होने वाली है हमारी, तुम्हारी उस जुआरी बाप ने मुझसे कर्जा लिया था, कर्जा नहीं चुका पाया इसलिए अपना घर उसने मेरे नाम पर दिया। ये तो मेरी रहमत समझो कि मैंने तुम लोगों को घर से बाहर नहीं निकाला। ये करके भी वो रुका नहीं, फिर से जुआ खेलने के लिए मुझसे पैसे लिए और कहा कि अगर पैसे नहीं चुका पाया तो मेरी बेटी से शादी कर लेना। अब एक तो तुम्हारे बाप को कहो कि मेरे पैसे लौटाए, नहीं तो तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। रूपा मायूस होकर घर चली आई। उसने अपनी माँ भारती को रोते हुए सब बात बता दी। तभी रूपा के पिता, अरे सही तो कह रहे थे सेठ, तुम्हारे तो नसीब खुल गए हैं कि इतने अमीर आदमी से तुम्हारी शादी होगी। नहीं बापू, मैं इतने बड़े आदमी से शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और माँ, आज के बाद मैं नहीं जाऊंगी पिज्जा का ठेला लेकर। रूपा अंदर जाकर रोने लगी। अगले दिन से भारती पिज्जा बेचने जाने लगी। कुछ दिन हो गए लेकिन फिर भी जितनी जरूरत थी उतना धंधा नहीं हो रहा था। भारती बहुत परेशान हो गई थी। दिन भर पूरे गांव में घूमने के बाद रात को भारती घर जा रही थी। वो एक जगह पर बैठ गई। हे भगवान, और कितनी परीक्षा लोगे हमारी, इतनी मेहनत करके भी पैसे हाथ में नहीं आते। पति है जिसे जुआ खेलने से फुर्सत नहीं मिलती, एक लौती बेटी है, इतनी रूपवती है लेकिन उसके पीछे वो किशोरी लाल पड़ा है। मेरी बेटी को उस किशोरी लाल के चंगुल से कैसे बचाऊं? पता नहीं ये पिज्जा का धंधा क्यों चल रहा है, अगर पैसे नहीं मिले तो क्या करूंगी। भारती अपने आप से बात कर रही थी तभी उसके पास एक बूढ़ी दादी आकर बैठ गई। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? क्या बताऊं अम्मा, मेरे जीवन में इतनी परेशानियां हैं कि क्या कहूं। भाटी ने अपनी राम कहानी बूढ़ी अम्मा को बताई। बेटा ये लो, कल से तुम ये मसाला डालकर पिज्जा बनाना, देखना इस जादुई मसाले से जो पिज्जा बनेगा उसका स्वाद के चर्चे दूर दूर तक होंगे, जल्दी तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। भाटी को वो मसाला देकर बूढ़ी अम्मा गायब हो गई। अगले दिन भाटी ने उस जादुई मसाले से पिज्जा बनाया। अरे वाह मां, आज तो पिज्जा की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, मैं एक खाकर देखूं। वाह माँ, ये तो सच में बहुत अच्छा बना है, कैसे बनाया तुमने ये, इसमें कुछ अलग डाला है क्या तुमने? हाँ, कल रात को ये थककर उस पुराने खंडर के पास बैठी थी, तभी वहाँ एक बूढ़ी अम्मा आई थी। मैं बहुत परेशान होकर रो रही थी, तभी उन्होंने मुझे मेरे रोने का कारण पूछा। जब मैंने उन्हें हमारे बारे में सब सच बताया तब उन्होंने मुझे ये मसाला दिया और कहा कि इसमें पिज्जा में डालकर पिज्जा बनाऊंगी तो पिज्जा का स्वाद बढ़ जाएगा। वही मसाला में डाला है अभी इसमें। क्या उस खंडर के पास? माँ तुम्हें पता नहीं वहाँ क्या है? तुम इतनी डर क्यों रही हो, ऐसा क्या है वहाँ पर? अरे माँ, कहते हैं कि वहाँ पर एक बूढ़ी का भूत रहता है, तुम्हें जो बूढ़ी अम्मा मिली थी कहीं वो वही भूत तो नहीं थी? ये क्या बोल रही हो तुम बेटा, कल मेरी मुलाकात एक भूत से हुई थी लेकिन उसे देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा था। लेकिन माँ ये तो सोचो कि कोई सामान्य औरत तुम्हें जरूरी मसाला कैसे देगी, हो ना हो वो जरूर कोई भूत ही होगी।
अब वो कोई भी हो क्या फर्क पड़ता है, अगर उसके इस मसाले की वजह से हमारे पिक्चर की बिक्री बढ़ गई तो अच्छी ही है ना। सोचो हम उस किशोरी लाल के सारे पैसे चुका देंगे तो उसे तुम्हारा पीछा छोड़ना होगा। हाँ ये बात तो है, सिर्फ एक बात याद रखना, किसी को कानो कान खबर ना हो कि हमें किसी भूतनी ने जादुई मसाला दिया था। भारती अपना खेला लेकर निकल पड़ी। जादुई पिज्जा की महक पूरे गांव में फैल रही थी। अरे भारती आज तो बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है तुम्हारे ठेले से, जरा एक दो पिज्जा खिलाओ तो। भारती ने लाल चंद को गर्मा गर्म पिज्जा सॉस के साथ दिया। लाल चंद पिज्जा खाने लगा। अरे वाह क्या स्वाद है, वाह वाह मजा आ गया। भारती क्या खूब पिज्जा बनाया है आज तुमने, सच में दिल खुश हो गया। वैसे तो मुझे ये पिज्जा विज्जा कुछ खास पसंद नहीं है, ये तो सारे नए जमाने के चुचले हैं, लेकिन उसकी सुगंध इतनी अच्छी आ रही थी कि मेरा जी मचल गया। वाह ये लो पैसे, और एक काम करो 4 पिज्जा पैक करके देना, घर पर ले जाता हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आया। लाल चंद की आवाज़ सुनकर कुछ और लोग वहाँ आ गए और पिज्जा खरीदने लगे। भारती बहुत ज्यादा खुश हो गई क्योंकि आज उसकी बोली ही एकदम बढ़िया हो गई थी। कुछ देर के बाद भारती गांव से होकर कॉलेज पर चली गई। कॉलेज के बहुत सारे बच्चों ने पिज्जा खरीदा, दोपहर तक सारे पिज्जा खत्म हो गए। भारती घर आ गई। माँ इतनी जल्दी आ गई आज? अरे पूछो हिम्मत, आज तो गजब हो गया, सच में उस मसाले ने तो कमाल कर दिया। जब मैं यहाँ से निकली थोड़ी दूर पर लालचंद सेठ मिल गए, पिज्जा की खुशबू से घीचे चले आए। 2-3 पिज्जा खा लिए उन्होंने और 4 पैक करके घर ले गए। इतनी तारीफ कर रहे थे पिज्जा की, क्या ही बताऊं। उनकी आवाज़ सुनकर कुछ और गांव वाले आए और उन्होंने भी पिज्जा खरीद लिया। आज तो बहुत अच्छी बोनी हो गई थी। फिर मैं कॉलेज पर चली गई, वहां भी बच्चों के खाने की छुट्टी हुई थी, क्या कहते हैं उसे, हां रिसेस। बहुत से बच्चे बाहर आए और पिज्जा लेकर चले गए, सारे पिज्जा खत्म हो गए। अरे वाह मतलब भूतनी ने दिए हुए मसाले ने आपका काम कर दिया। माँ अगर रोज ऐसे ही पिज्जा की बिक्री होने लगी तो बहुत जल्द हम सारा कर्जा चुका देंगे। हाँ बेटा ऐसा ही होगा। एक दिन रूपा मैं सोच रही हूँ कि मैं दोपहर को घर आ जाती हूँ, बाद में पूरा टाइम मैं खाली बैठ रहती हूँ, तो क्यों ना शाम के समय भी पिज्जा का ठेला लगाना शुरू कर दूँ। लेकिन माँ तुम कितना काम करती हो, शाम को भी काम करोगी तो थक नहीं जाओगी? थक तो जाऊंगी, लेकिन सोचो मुनाफा भी तो दुगना हो जाएगा। अगले दिन से भारती शाम के समय भी जादुई पिज्जा का ठेला लगाने लगी, उसे दुगना मुनाफा होने लगा। कुछ दिनों में भारती के पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए। एक दिन वो कर्ज के सारे पैसे लेकर किशोरी लाल के कोठी पर चली गई। आओ आओ भारती आज सुबह सुबह मेरी कोठी पर, लगता है शादी की बात करने आई हो। किशोरी लाल मैं पागल नहीं हूँ, जो मेरी रूपवती बेटी का हाथ उसके बाप की उम्र के आदमी के हाथ में दे दूं। बिल्कुल तुम पर ही गई है तुम्हारी बेटी, कुछ दिन पहले वो भी यही कह रही थी, लेकिन शायद तुम दोनों को अभी तक समझ नहीं आया है कि रमेश ने ही मुझसे वादा किया है कि अगर उसने लिए हुए कर्जे को वो चुका नहीं पाया तो वो रूपा का हाथ मेरे हाथ में दे देगा, और तुम लोग तो मुझे पैसे वापस करने से रहे तो तुम्हारे पास चारा ही क्या है। अपने सपनों से बाहर आओ किशोरी लाल, कहीं ये कांच का सपना टूट गया तो उस टूटी हुई कांच के टुकड़े आंखों में चुभ जाएंगे और आंखों से खून बहने लगेगा। ये लो मैं पैसे लेकर आई हूँ, तुम्हारा सारा कर्ज सूद समेत लौटा रही हूँ। क्या कैसे, वो भी इतने सारे पैसे आए कैसे तुम्हारे पास? ये ले तेरे पैसे, और आगे से मेरे दरवाजे पर आने की जरूरत मत करना, और हाँ मेरी बेटी को आंख उठाकर भी मत देखना आज के बाद। भारती किशोरी लाल के कोठी से चली गई। किशोरी लाल अपने कंप्यूटर के सामने बैठकर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने लगा। कुछ दिनों के बाद भारती को कॉलेज के कैंटीन में पिज्जा बनाने का काम मिल गया। उसने अब पिज्जा का ढाबा शुरू कर दिया था। दोपहर में भारती कॉलेज के कैंटीन में काम करती थी और शाम को रूपा के साथ मिलकर अपना पिज्जा ढाबा चलाती थी। एक दिन किशोरी लाल के कोठी पर, पापा आप ऐसे सर पर हाथ रखकर क्यों बैठे हैं? क्या बताऊं बेटी, कुछ दिनों से शेयर्स लगातार गिर रहे हैं, मुझे बहुत बड़ा लॉस हो गया है। क्या तो अब आप क्या करेंगे? अब क्या, जितना भी पैसा बचा है उसे भी लगा देता हूँ, अगर 2 दिनों में शेयर ऊपर चले गए तो डूबे हुए सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन अगर ऊपर नहीं गए तो? शुभ शुभ बोल कम हुई, एक तो मैं पहले ही इतने टेंशन में हूँ और तू ऐसी बातें कर रही है, जा अब यहाँ से। 3 दिन बीत गए लेकिन शेयर मार्केट ऊपर नहीं आया। किशोरी लाल के बच्चे खुचे पैसे भी डूब गए, उसे अपनी कोठी भी बेचनी पड़ी। अब किशोरी लाल रास्ते पर आ गया था। किशोरी लाल को लॉस से इतना धक्का लगा कि उसकी हालत बहुत खराब हो गई और उसने बिस्तर पकड़ लिया। घर की जिम्मेदारी अब सीकल पर आ गई। गांव में ही एक छोटे से टूटे फूटे घर में दोनों रहने लगे। 3 महीने के बाद, पापा ये लीजिए दवाई पी लीजिए। बेटा दवाई के लिए पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? पापा मैं एक जगह करती हूँ, उससे जो पैसे आते हैं उसी में दवाई लेकर आई हूँ, और पापा मैंने इस घर का किराया भी दे दिया है और खाने के लिए राशन भी भर दिया है। अब आप सो जाइए, मुझे काम पर जाना है। ये सब उस भारती की वजह से हुआ है, जिस दिन से वो आकर मुझे खरी खोटी सुना कर गई उसकी बेटी भी हाथ से चली गई, मैं छोड़ूंगा नहीं उस भारती को। पापा आप तो समझिए, इसमें भारती चाची की कोई गलती नहीं है, रूपा मेरी उम्र की है, उसके साथ शादी की बात करने के बारे में सोचते हुए आपको ही शर्म आनी चाहिए थी। कौन सी माँ चाहेगी कि उसकी बेटी की शादी ऐसे आदमी से हो? मुझे बहुत दया आ रही है उन पर।
दया तो उन्होंने हम पर दिखाई है पापा। मैंने आज तक आपको बताया नहीं, लेकिन हमारा घर जो चल रहा है ना, वो उनकी वजह से है। मैं भाटी चाची के ढाबे पर ही काम करती हूँ। क्या सच? हाँ पापा, आपने उनके साथ इतना बुरा किया, उनका घर ले लिया, फिर भी उन्होंने हमारे बुरे वक्त में हमें सहारा दिया है। किशोरी लाल शीतल की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने भारती को घर बुलाकर माफी मांगी। रूपा से बदतमीजी करने के लिए रूपा से भी माफी मांगी। शीतल भारती के साथ काम करते हुए पैसे कमाने लगी और धीरे धीरे उनकी भी जिंदगी सुधर गई।